जनपद के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की प्रतिनियुक्ति पर वापस भेजे जाने के बाद शासन ने गोरखपुर के नए डीएम की नियुक्ति की है, लेकिन प्रतिनियुक्ति पर जाने के पूर्व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने गोरखपुर न्यूज के माध्यम से गोरखपुर में लगभग 3.5 साल बतौर जिलाधिकारी के पद पर कार्य को साझा किया और कहा कि गोरखपुर की जनता, मीडिया सहित अन्य लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में विकास का कार्य तेजी से किया गया, फर्टिलाइजर एम सहित जनपद में पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की जिंदगियां बचाने का कार्य किया गया, लोगों को बेहतर सुविधाएं दी गईं। उन्होंने गोरखपुर वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मौका मिला तो एक बार फिर से गोरखपुर की जनता की सेवा करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, देखिए 3.5 साल मेरा टेन्यू रहा है गोरखपुर में, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सब लोग मुझे मौका दिए हैं सेवा करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री से लेके, यहाँ पत्रकार से लेके और जो मेरा साथ काम करने वाले से लेके, सभी लोग सहयोग किए, उसी की वजह मैं और बेहतर कर पाए। और दोनों बार कोविड वेव में भी यहाँ काफ़ी चुनौतियाँ सामने थी, बहुत सारे जाने हम लोग बचाए, और जो कितने कर सकते हैं एम्स के लिए और फर्टिलाइज़र के लिए, जो कितने विकास काम है वो सभी का जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं, तो उसी का नतीजा है आज गोरखपुर एक अच्छा जगह पहुंची है और आगे भी पहुंचेगा। उसी का न्यू तो हम लोग रखे हैं, उम्मीद करेंगे आने वाले दिन में गोरखपुर का अपने ही अलग पहचान होगा और पूर्वांचल में निश्चिंत रूप से एक राजधानी के रूप से उभर के आएगा। और बहुत सारे किए हैं और कुछ करने वाले बाकी है। वैसे जो अभी जो नया नया इंडस्ट्री आ जाएगा और नया जो कॉरिडोर इंडस्ट्री के लिए एक्वायर करना, एक्सप्रेस हाईवे जो करना है, वो काम तो हम लोग कर चुके हैं और आगे भी जो बहुत सारे इंडस्ट्री अभी अपने आने के इंटरेस्ट दिखाया, आने वाले भविष्य में जल्दी बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जाता है। वैसे वेस्टर्न यूपी का तरफ गोरखपुर भी बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों का रोज़गार दिलाएगा और पर्यटन में गोरखपुर का बहुत अहम स्थान रहेगा। और गोरखपुर से कोई व्यक्ति बाहर नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और भविष्य में ज़रूर है, 1-2 साल में सभी लोग गोरखपुर के तरफ से आएंगे अपने सेटल होने के लिए, अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए, इलाज करने के लिए और बेहतर ज़िंदगी के लिए। उतने पोटेंशियल गोरखपुर में है और ज़रूर गोरखपुर उभर के एक अच्छा स्थान पर पहुँचेगा। उसका हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने कर सकते हैं उतने करूँगा और सभी गोरखपुर वासियों को मेरा प्रणाम और मेरा धन्यवाद। आप लोग मौका दिए इसलिए मैं कर पाया हूँ और आगे कभी भी जो मौका मिलेगा तो ज़रूर और भी सेवा देने के लिए मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।